नेक्स्ट है हमारे पास का बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। जब एक साइक्लिस्ट साइकिल चलाता है तो उसके पास में सबसे पहली बात आती है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से लाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइकिल अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ से अरेंज करेगा। तो इसके लिए बोला गया है साइक्लिस्ट बेंड अ लिटिल फ्रॉम इट्स वर्टिकल एक्सिस इन ऑर्डर टू टेक अ सेफ टर्न। दिस इज डन टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा है, इस डायग्राम में साइक्लिस्ट जो है अपने साइकिल को अपने एक्सिस से सर्टेन एंगल पर टर्न कर दिया है। अपने एक्सिस से सर्टेन एंगल पर टर्न कर देने की वजह से अब साइक्लिस्ट इज इन द इज अंडर एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर वन, वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस वन इज वेट, दिस इज एम जी, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नंबर टू, द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन साइक्लिस्ट, दिस विल एक्ट अलॉन्ग द लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, इनका कहना है कि ये जो वर्टिकल है इसके साथ थीटा एंगल बनते हुए एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स आर कॉस थीटा इज नॉर्मल रिएक्शन। ये यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट, दिस इज आर कॉस थीटा, क्योंकि आर जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये एंगल है थीटा, तो इसीलिए आर कॉस थीटा इधर प्रोवाइड हो रहा है एंड आर साइन थीटा इधर प्रोवाइड हो रहा है। अब आर कॉस थीटा ये बैलेंस होने वाला है mg से एंड आर साइन थीटा, तो इसकी वजह से ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो ये दोनों फोर्स जब बैलेंस हो गए तो केवल एक फोर्स बचता है आर साइन थीटा। This will act towards center of circular path. मतलब r sin theta ये हमेशा centripetal cause करने वाला है and this is caused due to friction only. Tire पे friction जो लग रहा है वही r sin theta provide कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। r sin theta is centripetal provided by friction force and r cos theta is mg. ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करते हुए जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन में एम जी, देयर फोर टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर बाय आर जी। तो हम लोगों का कहना ये हुआ कि साइकिल जो है वो उतना ही बेंड होगी जिससे कि उसका आर साइन थीटा जो है वो हमेशा सफिशियंट रहे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। जब रेडियस ऑफ कर्व इज स्मॉल तो कर्व इज शार्पर। जब रेडियस ऑफ कर्व, इस चीज को सभी लोग ध्यान से समझें, यहां पर बच्चे लोग इन जनरल में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। बच्चों का कहना होता है कि जहां पे कर्व शार्प होगा वहां पे रेडियस ज्यादा होगी, जहां पे कर्व लार्ज होगा वहां पे रेडियस कम होगा। ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक ये सर्कुलर पाथ, मैं सेमी सर्कुलर पाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझें। दिस वन इज रेडियस। एक मैं दूसरे कलर का सर्कुलर पाथ प्लान कर रहा हूँ, अब आप लोग इसे देखिएगा। ये है एक दूसरा बड़ा सर्कुलर पाथ, ये है एक बड़ा सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरा आपको मैं इस वाले पोर्शन को हाइड करके बता रहा हूं, जरा आप लोग देखिए इसे। तो आप लोग देखेंगे कि रेड वाला ज्यादा शार्प टर्न प्रोड्यूस कर रहा है जबकि ब्लू वाला लेस शार्प टर्न प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जो ज्यादा शार्प टर्न प्रोड्यूस करेगा उसका रेडियस कम होगा, लेकिन जो लार्ज टर्न बना रहेगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमारा कहना हुआ
कि जब रेडियस ऑफ कर्व इज स्मॉल तो कर्व इज शार्ट पर, द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज लार्ज, ये दोनों क्राइटेरिया पे हमारे पास का जो कंडीशन है कि हमारे साइकिल किस एंगल पे बेंड होती है वो हमारी फुलफिल होती है, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। अ बॉडी ऑन द साइकिलिंग साइक्लिस्ट साइकिल पेडल अराउंड साइकिल विद 20 मीटर रेडियस आर इक्वल 20 मीटर और स्पीड वी इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड। The combined mass of the body and the cycle is 90 kg. तो साइकिल वाले कितना एंगल बनाने वाले हैं? 10 theta. This is equal 10 theta equal v square by RG, V square equal RG 10 theta, तो हमारा कहना होता है V square by RG, 10 theta equal V square by RG, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 theta equal V square upon RG, 10 theta equal V square 20 इंटू 20 अपॉन रेडियस, रेडियस इज अगेन 20 एंड जी इज 10, देयरफॉर थीटा इक्वल 10 थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री बिकॉज 60 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, 60 डिग्री इज रूट 3 बाय सॉरी ओनली रूट 3, 1060 is only root 3, therefore angle must be greater than 60, therefore the answer will be B. Theta must be equal 63.90, this is 64. This will be your correct answer. Next question hai hamare paas ka. Next question is, a cyclist moving with the speed of V equal 4.9 meter per second on a level road to take the sharp circular turn of radius 4 meter. Then the coefficient of friction between cycle tire and road. Then the coefficient of friction between tire and the road. For maximum friction V equal under root mu rg, therefore v, this is 4.9 square, this is mu into r is 4 into g is 10, this is nearly equal 24 point something something, this is 25 by 40, this is equal mu. This will be point zero point six and 4 2 8 0.61 or 0.62. This is the answer D. Next question. Next topic is बैंकिंग ऑफ अ रोड। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इसे हमें सबसे पहले समझना होगा। हम ये चाहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से ज्यादा बढ़ाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हम सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाएंगे उतना व्हीकल इजीली टर्न ले पाएगी। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसके लिए फ्रिक्शन इज ऑनली एंड ऑनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हीकल टर्न। टू व्हीलर के लिए हमारे पास में साइक्लिस्ट के लिए हमारे पास पॉसिबल था कि हमने साइकिल वाले को टिल्ट करा दिया जिससे कि एक रिएक्शन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ मिल गया। लेकिन इन केस ऑफ कार, कार को हम लोग नेचुरली इतना टिल्ट नहीं करा सकते हैं कि एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ मिल जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस बार ट्रैक को हमने बैंक कर दिया
जिसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स है उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ मिल जाए। और यहाँ पर से हमने बोला कि बैंकिंग और फ्रूड का कंसेप्ट शुरू होता है। फॉर गेटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स साइक्लिस्ट बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ बट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फोर व्हीलर। और इसकी वजह से हमने व्हीकल को बैंक किया। द आउटर बेड ऑफ द रोड इज रेज सो दैट व्हीकल मूविंग ऑन इट गेट ऑटोमेटिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स द सेंटर लाइक अ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट के जैसे ये खुद ब खुद टिल्ट हो जाए। और जब ऐसा हो रहा है तो हमने बोला कि ये जो रिएक्शन फोर्स है ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो गया और ये आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी, ये हमारे पास का रिपोर्ट, आर कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी। जबकि आर साइन थीटा, आर साइन थीटा जो है ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। दिस एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी वजह से यहां पर आर्क साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड कर रहा है। और जब हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर बाय आर जी। मैं बता दूं आपको, आर साइन थीटा दिस गिव्स एम वी स्क्वायर बाय आर एंड आर कॉस थीटा दिस बैलेंसेस एम जी बाय डिवाइडिंग देम। आर एंड आर बीइंग कैंसल्ड आउट, मास एंड मास बीइंग कैंसल्ड आउट, वी विल गेट आवर रिजल्ट। सिमिलरली वी के जगह पर हमने ओमेगा आर लिख दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आए। और लास्ट में ओमेगा इंटू आर को हमने वी लिख दिया तो ओमेगा वी अपॉन आर जी। नोट, इफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन टायर एंड रोड तो हमारे पास का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा। और इसी तरह से जब हम लोगों ने अब आर जी को उधर शिफ्ट किया, आर जी को जब हमने उधर शिफ्ट कर दिया है, आर जी को जब हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा अंडर रूट। क्वेश्चन, अ ट्रैफिक फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इक्वल 0.1 किलोमीटर द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो किलोमीटर पर आवर का यूज कर रहे हैं, तो फिर ऐसे वक्त में हम लोगों का एंगल ऑफ बैंकिंग ठीक है, टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हमें ध्यान से समझना होगा कि ये जो वैल्यूज है ये किलोमीटर पर आवर में है। 60 इंटू 5 बाय 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड इसमें चेंज कर दिया हमने। और ये आर, आर की वैल्यू है 0.1 किलोमीटर, दिस इज 100 मीटर एंड जी की वैल्यू है 9.8। देयरफॉर आवर एक्सप्रेशन विल बी 60 इंटू 25 अपॉन 18 अपॉन 9.8 अपॉन में 100, डबल जीरो कैंसिल, 6 3 जा 18 एंड 10 थीटा इक्वल 25 अपॉन अप्रॉक्सी 98, दिस विल बी लेस देन 98। अंडरस्टूड सी बात है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसी वैल्यूज में रहने देते हैं, अदरवाइज हमारे लिए सॉल्विंग करना मुश्किल हो सकता है।
हम लोग इसको यहाँ पर ये इसी फॉर्मेट में रखते हैं, दिस इज 9 into 98, 9.8, और ये हमारे पास की वैल्यू, कोई वैल्यू ऐसी तो दिस इज 60/50/3 स्क्वायर। ओके, दिस मीन वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व हियर। मोरेवर हम लोग जो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 into 9.8 और ये है 25 का स्क्वायर, दिस इज 50 स्क्वायर एंड 6 3 जा 18, दिस इज 3। तो हमारे पास का आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कीपिंग द बैंकिंग एंगल सेम टू इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड विच विच अ कार कैन ट्रेवल ऑन अ कर्व रोड बाय 10%। अच्छा, हमारे पास यहां पर दिया हुआ है चेंज इन स्पीड इज 10%, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड हैज टू बी चेंज फ्रॉम 20 meter टू कितना। बैंकिंग एंगल को सेम रख करके इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार कैन ट्रेवल ऑन कर्व रोड इज बाई 10%। ओके, हमने बोला कि वेलोसिटी की वैल्यू हो रही है यहाँ पर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आर जी टेन थीटा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज पे थोड़ा सा हम लोगों को और इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले इनिशियली कहा जा रहा है कि ये जो ट्रैक है वी इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी के लिए वैलिड है, और हमें बोला जा रहा है कि जब हम वेलोसिटी को 10% से इंक्रीज कर दें, 10% से इंक्रीज करने के लिए बैंकिंग ये सब सभी चीज सेम रखते हैं, तो हमें रेडियस को कितने से इंक्रीज करना है। तो हमारा कहना हुआ सारे पैरामीटर सेम हैं, तो हम लोगों का कहना हुआ कि v फाइनल अपॉन v इनिशियल दिस इज इक्वल r फाइनल अपॉन r इनिशियल। v फाइनल इज 10% इंक्रीज्ड, अच्छा ये r अंडर रूट में है, दिस इज 1.1 बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी अपॉन इनिशियल दिस इज इक्वल अंडर रूट में r फाइनल अपॉन r इनिशियल। स्क्वायरिंग बोथ साइड 1.21 दिस इज इक्वल आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। दिस मीन वी हैव टू इंक्रीज आवर रेडियस बाय 21%। ओके, परसेंट से नहीं, हमें तो यहां पर फाइनल रेडियस चाहिए। आर फाइनल दिस इज इक्वल 1.21 into 20 meter, आर फाइनल दिस इज इक्वल दिस इज 12 to 24 meter per second, our final velocity will be 24.25।